WT20 मुकाबले में भारत ने अपने हरफन मौला खेल के दम पर मेजबान आयरलैंड को 143 रनों से करारी शिकस्त दी है। भारत ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया, जिसके दम पर उसने दूसरे मैच को जीतने के साथ साथ सीरीज पर भी 2-0 से कब्जा जमा लिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में रन के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। द विलेज मैदान में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन ये फैसला उस पर ही भारी पड़ गया क्योंकि बल्लेबाजी करने उतरी भारत की टीम ने मैदान में आते ही रनों की बरसात शुरू कर दी। लोकेश राहुल ने 70 रन ठोके तो सुरेश रैना ने 69 रन बनाए। अर्धशतकीय पारियों के दम पर ही भारत मजबूत स्थिति में आ गया। इसके बाद आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 9 गेंदों में 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 32 रन बनाते हुए भारत को 4 विकेट पर 213 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया। भारत के इस विशाल स्कोर का पीछा करने उतरे आयरलैंड के खिलाड़ियों को युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी ने विकेट पर पैर जमाने ही नहीं दिए। इन दोनों ने 3-3 विकेट लिए। उमेश यादव को 2 सफलताएं मिली, जबकि पहला मैच खेल रहे सिद्धार्थ कौल और हार्दिक पांड्या के हिस्से 1 विकेट ही आया। मेजबान टीम के सिर्फ 4 बल्लेबाज ही दहाई के अंक तक पहुंच सके, जिसमें सबसे ज्यादा 15 रन गैर विल्सन ने बनाए, विलियम पोर्टरफील्ड 14 और स्टुअर्ट थॉम्पसन 13 रन ही बना सके। अंत में वर्ल्ड रैंकिंग ने 10 रनों का आंकड़ा छुआ। भारतीय बल्लेबाजों के सामने आयरलैंड की टीम टिक ही नहीं पाई। पूरी टीम महज 12 ओवरों में ही 70 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और आयरलैंड को 143 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। इस मैच में शानदार पारी खेलने वाले लोकेश राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।